हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अपने घर में सब ठीक होंगे। तो आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ। आज दिन शुभ मंगल आपका जाए और मेरा भी अच्छा दिन जाए। तो गाइज, बस आज परी की छुट्टी है, 2 दिन की। सैटरडे संडे इसका ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे इसने स्कूल जाना होता है। तो आज हम भी थोड़ा लेट हो गए क्योंकि आज परी ने स्कूल जाना नहीं था, तो हम भी यार आज थोड़ा सा लेट हो गए उठने में। तो बस अब ब्रेकफास्ट करने की तैयारी थी, तो सुनील जी तो करके जा चुके हैं और मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया है मखाने और फैन मरोड़ी और साथ में चाय। तो आइए गाइस, गर्मा गर्म आप भी पीजिए निशा जी के साथ। और ऐसे आज लंच में बनाऊंगी मैं भिंडी। तो सुनील कहते हैं भिंडी खाने, भिंडी की डिमांड उनकी पूरी करूंगी। तो सुनील जी कह रहे हैं बहुत दिन से भिंडी नहीं खाई। बस मम्मी रोने लग गए, मम्मी को चुप करा दो परी। जी कहाँ घूम रहे हो सुबह सुबह? अरे वो परी का वो मंगाया पाउडर। क्या मंगाया? पाउडर मेरे से ले लेती। माले का बड़ा, जॉनसन का बड़ा, वही सूट करता ना। डॉक्टर का दिखा सैंडी मैच का सूट। कौन सा दिखा? मेरे कैंची लेकर मंगाया कोरियर से, फ्लिपकार्ट से। चलो खोल। बड़ी पैकिंग करके भेज दी टाइट। लगा नाम ही नहीं ले रही साली। अब क्या कह रहे हो कि वो फ्रॉग लेके देनी है परी को? हाँ, सारे कमेंट आ रहे, कह रहे फ्रॉग लेके दे। ले बेबी सीबा में तो गाइस, हमारी परी ये वाला पाउडर यूज करती है, तो डॉक्टर ने रिकमेंड करा हुआ है। तो फिर हम शुरू से इसको, जब से पैदा हुई है तब से यही यूज़ कर रहे हैं। तो यही शुरू करता है तो यही मंगवा। देखिए गाइस, अपनी शॉप होते हो, मुझे बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। और कोई बात, सुनील जी तो वैसे बड़े खुश होते हैं। क्यों? कि निशा बाहर से ऑर्डर करती है। पैसे जब सुनील जी देते हैं तो अभी दिए नहीं है। देखिए बंदर आम खरा मम्मी के फ्लोर पर चढ़ गया अंदर। ये देखिए आराम के मजे ले रहा। देखिए बारिश आ रही है धमाकेदार, बड़ा बढ़िया मौसम हो रहा घूमने का। और आप गुरुद्वारे साहिब जी के दर्शन भी आज कीजिए। अभी कपड़े धो रही थी तो ये देखिए कपड़े धो रही हूँ आज, लेकिन आज सुखाने के लिए जगह बाहर नहीं होगी क्योंकि आज बारिश हो रही है धमाकेदार और मौसम बढ़िया हो रहा घूमने के लिए। सुनील जी को बोलते हैं कहीं घुमाने ले सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आज आपके लिए बनाई है भिंडी और साथ में चपाती बहुत, और सैलेड में खीरा और नींबू का अचार, बहुत टेस्टी बनी गाइस। आप भी आइए, आप भी ट्राई कीजिए। आपने एक बात तो देख कर ही नहीं आपने। क्या? आपने आप ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। हाँ। आज आपके लिए मैट भी छुआ दिया। मैट तो मैंने आते देख लिया पहले। अब आपको हमेशा बिछा मिलेगा जब आप लंच करेंगे डिनर करेंगे ना, तो गाइस बोलते हैं कि मैट बिछा के किया करो। तो गाइस आप लोग रोज कमेंट करते थे कि मैट बिछाया करो, आज निशा ने मैट भी बिछा लिया। आ गए दादू, दादू एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसको एक्सी मत खिलाइए। आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगा अपनी बेटी को। भाई गला बहुत खराब है इसका, बिल्कुल बैठा पड़ा है, कुछ नहीं खाया सुबह। और आपकी तबीयत ठीक है? एक्सी मत लेना प्लीज, मैं कुछ इंतजार कर रहा आपका। मम्मी सुबह से कह रही है कल सबने पिया, पापा कह रहा मुझे नहीं पिलाया, फोपड़ कर दिया मैंगो शेक का। आज बना रहे हैं। आज बना हुआ है। परी का है। परी क्या कर रही है? परी
क्या ढूंढ रही है इसमें बता दे चाची मम्मी दादू दादू सुबह तो मैंने कुछ तो घूमना बना दिया था सब खोल दिया पूरी अभी नहीं खाती हूँ आपसे सब खोल दिया परी क्या कर रही है अरी था अरी बेटा यहाँ पर आओ चलाओ आओ इधर आओ ऊपर आके चाची कहती मेरे को मारा डैडी ने तो कोई नहीं से बुला लिया चलना चला चलना ट्वेंटी फोर सेवन चलना चलो फिर तू नहीं कहते आप बोलते हैं आपसे बड़े हैं ना चाची तू नहीं कहते बेटा से सॉरी बोलो चाची को हाँ ऐसे बोला करो बेटे तू नहीं करते ऐसे मिल गया भाई आइसक्रीम वाला शुक्र है और क्या इतनी देर से ढूंढ रहा था आइसक्रीम वाला मिल ही नहीं रहा था पूरे रोड पे नहीं तू भी जिद करती है ना आइसक्रीम खानी है चला गया सारा बारिश पड़ रही थी ना इसलिए जल्दी चला गया कोई जब बारिश चक्कर में चले गए आज तो बारिश चक्कर में सारे आइसक्रीम वाले घर चले गए आज परी ये हमारी परी क्या खाएगा हैं मैं भी खाऊंगी ले मैं कह रहा था इसको घर छोड़ दे तो मैंने तो बोला था आप नहीं लेके आयो क्या आप लेके आयो क्या लेके आयो अब ये खाने थोड़ा देगी तेरे को आइसक्रीम तो नहीं खा रहे भाई हैं नहीं खा रहे पोपट कर देते आइसक्रीम को आज नीचे की पोपट हो अभी तो देर घूम रहे हैं एक घंटे से घूम रहे हैं इसको और आप पोपट कर रही हो क्या करूँ फिर बच्चे के त्याग में पड़े या तो ले आइसक्रीम इसको डिग्गी में रख ले घर जाकर खा लियो इतनी सीधी है आपकी बेटी हैं क्या करेगी मैं भी खाऊंगी मैं भी खाएगा हाँ ये भी खाएगा मेरा काका भी खाएगा चल तू एक काम कर साइड में जाकर खा ले और मैं इसको संभालता हूँ मनीषा क्या हाल चाल आइसक्रीम खा ली कैसी लगी बड़ी अच्छी लगी अच्छी लगी क्यों बहुत अच्छी लगी ऐसी आइसक्रीम ना ही खिला तो ही अच्छा था क्यों भाई आराम से खाने का लेकिन सुनील यार आपसे एक बात करना चाहती हूँ क्या आप मैं बहुत परेशान हूँ क्यों आप मैं छोड़ कर चली जाती है आपको मुझे हाँ मैंने छोड़ के जा रही सुनो ना पहले पूरी बात सुनो फिर बोलना तो सुन लो अब सुननी पड़ेगी आज तुम्हारी बेटी ने मुझे क्या कहा क्या कहा मेरा लोअर पकड़ लिया मुझे गेट के बाहर ले गई वहाँ पे ड्राइंग रूम में कह रही है तू निकल तब ऐसा आप निशा की हो जाओ कर दो पोपट और अपनी नई बीवी ले और परी की नई मम्मी ले आओ मतलब वो कहेगी निकल तो निकल जाएगी हाँ तुम्हारी बेटी ने बोल दिया ना आए लोग मुझे दो साल नहीं हुए वो तुझे कहेगी निकल जा तो निकल जाएगी बोलने का मतलब क्या हुआ नई मम्मी लाऊं नई मम्मी लाऊं मैं खुले आम कह रही हूँ ले आओ लाऊं ले आओ नहीं ये मम्मी अच्छी है हैं मम्मी अच्छी है बता के नहीं अच्छी है ये तो कह रही अच्छी है तू झूठ बोलती है मैं झूठ बोलूंगी गलती होगी मैंने वीडियो बनाना भूल गई उस टाइम तो मैं तभी यकीन होता मैं तभी यकीन करूँ जब तू वीडियो बना के मुझे दिखाई मतलब अपनी बीवी का यकीन नहीं है बीवी पे यकीन है मैं मजाक कर रहा हूँ मैं तो अरे वो बच्चा है वो तू क्यों उसकी बातों को दिल पे मेरे दिल पे लग गई बात यहाँ मेरे लगी पड़ी है जब तक तुम आए नहीं ना उस शॉप से तब से मेरा मूड खराब हो रहा था बच्चा है वो क्या तुम ले गए आइसक्रीम खिलाने मेरा आइसक्रीम खाने का दिल नहीं था बच्चे को क्या समझ आया बच्चे क्या समझ की बात नहीं बोलो मम्मी सॉरी बोलो सॉरी कोई बात नहीं तो गाइस एक दे रहा हूँ बेटा दे रहा हूँ तो एक मैसेज आया हुआ था कि आप परी का बर्थडे कब आता है और आप लोग घूमने कब जा रहे हैं तो परी का बर्थडे तो बता दो परी का बर्थडे 10 अगस्त को आता है 10 अगस्त को आता है इसका बर्थडे तो इसका बर्थडे इस बार धूमधाम से मनाएंगे और आपको दिखाएंगे ब्लॉग में खाना और घूमने का दूसरा है आपका जो दूसरा मैसेज है घूमने के लिए है तो नेक्स्ट मंथ जाएंगे अभी फिलहाल परी के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं
तो अभी कुछ जाने का पॉसिबल नहीं होगा, अभी तो जाना स्टार्ट हुआ है, दो दिन हुए। ये भी बता दो नेक्स्ट मंथ में फाइनली जाओगे अभी? नहीं नहीं फाइनली जाएंगे। नहीं बता दो ना, गाइस को पूछते हैं। नहीं नहीं भाई फाइनली जाएंगे, बस क्या है परी के अब जब समर वेकेशन करोगे ना तब चलेंगे घूमने। समर वेकेशन 17 से 31 मई तक है। हाँ पर ठीक है फिर 10 दिन की छुट्टी है, हमारी भी वेकेशन हो जाएगी। और शायद तरनदीप जी का मैसेज आया कंजक वाले दिन, आप इसको माता रानी बनाओ, शेरा वाली माता रानी बनाओ। और हमें शेरा वाली माता बना के मरना नहीं, इसको माता रानी बना ले, क्या दिक्कत है? इसी साल का वो ड्रेस चुन्नी बना के इसका वीडियो बनाते, माता रानी गाना डांस करवाते। तो मैं बना दूंगा, अगर असली का सेल है तो मैं उससे डर लगता है। ये शेरा वाली माता बन गई तो ठीक है। तरनदीप जी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे ब्लॉग में, कंजक वाले दिन इसको हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे पूरा ब्लॉग में, तो आप देखना जरूर। और फिर कमेंट में बताना कैसी लग रही है आपको ये छोटी माता रानी। ठीक है तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। परी बाय बाय करो बेटा। नहीं क्यों? चलो गाइस जी तो बिजी है, हम आपको बाय बाय करते हैं।